हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम एलपीपी के। इससे पहले मैंने जो सारा पूरा आपका एलपीपी कवर करा चुका हूँ, ये लास्ट टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। सारे वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर आपको यूनिट 4 मैथ्स की मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल तरीके से। 10 मिनट में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझा दूंगा, तो प्लीज वीडियो को ढंग से देखिए। पहले हम समझ लेते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन क्या होता है और मुझे करना क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज द एम। सो देखिए, फोर जॉब्स आर डन ऑन फोर मशीन्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एथ जॉब ऑन जेथ मशीन इज, यहां पर मुझे दे रखा है। बेसिकली आपका जो लेट से यहां पर ये जॉब है, ये मशीन है, ये जो जॉब है और मशीन वन इसी जॉब को 15 मिनट में करती है, लेट से ये 11 मिनट में करती है, ये 13 में, इस तरह से आपका रहता है। या फिर ये कॉस्ट है बेसिकली आपकी, कि 15 कॉस्ट लगती है, या 11 लगती है, या 13 लगती है, या 15 कॉस्ट लगती है। तो कुछ भी तरीके से आपका क्वेश्चन रहता है। आपका मोटिव जो होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, वो ये होता है टू असाइन द जॉब टू द राइट ऑपरेटर। मतलब कौन सी जॉब किसको करनी चाहिए ये आपको असाइन करना है, सो दैट द टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज मिनिमाइज्ड। ये मैं लिख देता हूं आपको। सो मुझे असाइन करना है जॉब जो है वो हर एक, जैसे यहां पर मशीन है, ऑपरेटर हो सकता है, कौन सा जॉब मैं कौन सी मशीन से करवाऊं, ऐसा मुझे पूरा एक ब्यौरा देना है लास्ट में, ताकि टोटल प्रोसेसिंग टाइम मेरा मिनिमाइज हो जाए। ये बेसिकली हर एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का आपका एम रहता है। क्वेश्चन लास्ट में यह है, असाइन द जॉब टू डिफरेंट मशीन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। कॉस्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, ठीक है। मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम मैं आगे बताऊंगा आपको, ये मिनिमाइज की है। टोटल कॉस्ट मुझे मिनिमाइज करनी है। तो इसका जो मेथड है बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ दो स्टेप याद रखने हैं, सिर्फ दो स्टेप याद रखने हैं, और आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कर लोगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो नाम है मेथड का, उसका नाम भी मैं बताऊं, हंगेरियन मेथड हम लोग यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जब मैंने आपको, याद होगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कराई थी, वहां भी मैंने मेथड्स के नाम बताए थे। तो यहां भी जो मेथड का नाम है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। अब मेथड क्या है वो देखो। सो नाउ असाइन करनी है जॉब्स मेरे को, हंगेरियन मेथड लगाऊंगा। बेसिकली क्या है मैं बता देता हूँ, रो या कॉलम जो है, रो एंड कॉलम, सबसे पहले आपको रिडक्शन करना होता है, उसके बाद आपको असाइन करना पड़ता है जीरोस, देन उसके बाद ऑप्टिमैलिटी आपको चेक करनी पड़ती है अप्लाई करके। हो सकता है आपका फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो फिर इसके बाद ऑप्टिमैलिटी चेक में भी पूरा एक छोटा सा प्रोसीजर रहता है, वो रहता है, मैं आपको क्वेश्चन के जरिए ही समझाऊंगा। ये वाला जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें शुरू में ही आपका आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन रहेगा ये, तो वो देखिए। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, जहां पर शुरू में आपका आंसर नहीं आ रहा, आपको और चेक्स लगाने तो कैसे लगेंगे। और लास्ट वीडियो में जो मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, अगर मैक्सिमाइज भी आ जाए तो क्या करना है, तो वो बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। ये आपके पास दे रखा है, आपको करना क्या है, स्टार्ट करते हैं सीधा, क्योंकि मिनिमाइज की प्रॉब्लम है। आप शुरुआत कर देंगे रो एंड कॉलम रिडक्शन से, उसमें कुछ नहीं करना। यहां से देखो इसको, ये जो रो है, हर रो में आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इस रो का स्मॉलेस्ट एलिमेंट 11 है, उससे बाकी के सारे एलिमेंट्स को माइनस करते जाओ। बस ये है रो रिडक्शन। सबसे पहले रो रिडक्शन कर रहा हूं, टेबल बनेगा, लेट से ये मेरा टेबल वन बनेगा, यहां पर जीरो हो गया, 11 मेरा लोएस्ट है, फोर आ गया, यहां टू आ गया, यहां फोर आ गया। अब नेक्स्ट रो में देखो, टेबल बनाना है आपको, नेक्स्ट रो में आप देखोगे तो 12 है, ये जीरो, ये जीरो, यहां पर वन बच गया, यहां पर आपका फाइव आ गया। अब नेक्स्ट में देखो, यहां पर आपका 10 है स्मॉलेस्ट, तो ये जीरो हो गया, मतलब स्मॉलेस्ट से पूरे को माइनस करना है, तो स्मॉलेस्ट अपने आप को माइनस कर गया तो जीरो आ गया, यहां पे फोर बच गया, यहां पे फाइव बच गया, यहां पे फोर बच गया, लास्ट में 11 स्मॉलेस्ट है तो 11 आ गया मेरे पास, यहां पर जीरो,
यहां पर ये 6 छोड़ देगा, 2 छोड़ देगा और 5। अब ये टेबल बनने के बाद ये आपने किया है अभी रो का रिडक्शन। अब नई टेबल आप क्या आ गई, अब इसको नहीं देखना आपको, अब इसमें देखिए। अब आप क्या करोगे, आप कॉलम का रिडक्शन, हमेशा रो के बाद आप कॉलम रिडक्शन करोगे तो एक और नई टेबल बनेगी। नाउ रो रिडक्शन करने के बाद आप नेक्स्ट टेबल एक और बनाओ, उसमें आप करो कॉलम का रिडक्शन। कॉलम का रिडक्शन करने के लिए बेसिकली मैं हर एक कॉलम में देखूंगा। यहां पर ये मैंने J1 इस तरह से आप प्रॉपर बना लीजिएगा, ठीक है, मैंने जब शुरू में नहीं बनाया था। अब यहां पर देखो, इस कॉलम में देखूं तो 4 सबसे छोटा है, 4 को माइनस करता हूं 0 1 0 1। यहां पर आप देखोगे तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, सबसे छोटा 0 है, तो 0 है तो इसको एज इट इज आप रहने दो। यहां पर भी आपका 0 सबसे छोटा है और यहां पर 1 सबसे छोटा है, तो ये 0। अब ये मेरा काम हो गया जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप रो एंड कॉलम रिडक्शन हो गया। अब आप क्या करोगे, 0 असाइन करके और चेक करोगे कि ऑप्टिमलिटी आ गई है या नहीं। अगर आ गई है तो आपका आंसर यही आ गया है, नहीं तो फिर आपको आगे एक प्रोसीजर और है वो करना पड़ता है। सो नाउ असाइन करने के लिए 0 आपको करना क्या होता है, आपका जो प्रोसेस रहता है दैट इज कॉल्ड रो एंड कॉलम स्कैनिंग। प्रोसेस क्या है मैं बताता हूं। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको रो स्कैन करनी है, पहले रो 1 रो 2 रो 3 इस तरह से स्कैन करनी होती है, फिर कॉलम को स्कैन करना। उसमें करना ये होता है कि रो देखो सारी एक एक करके और देखो कि उसमें सिंगल 0 है या नहीं है। मतलब मैं पहले देखता हूं ये वाली रो, लेट से ये मेरी रो 1 है, ये मैं देख रहा हूं J1 की रो 1, यहां पर 2 है। अगर 2 0 है तो मेरे को कुछ नहीं करना, आगे निकल जाओ नेक्स्ट रो पे आ गए। ये वाली रो देखूंगा 1 3 0 है, स्किप करा अगली रो पे आ गए। 0 5 0 3 स्किप करा अगली रो पर आ गए। यहां पर अब मुझे एक ऐसी रो मिली है J4 में जहां पर मेरे पास सिंगल 1 0 है, तो आपको क्या करना है, उसको सर्कल कर देना। जैसे ही कुछ ऐसा मिला उसको सर्कल कर दो और बाकी का, मतलब क्योंकि मैं रो को स्कैन कर रहा था तो उसके परपेंडिकुलर जो है, जो भी उसके वर्टिकल है उसको काट दो, उसके परपेंडिकुलर में आप काट दो। मान लो अगर मैं कॉलम स्कैन कर रहा होता तो परपेंडिकुलर में मैं रो काट देता। ये सारे एलिमेंट कट कर दिए मैंने, मतलब ये सारे एलिमेंट हट चुके हैं। अब रो स्कैन कर चुका हूं, कॉलम स्कैनिंग करेंगे। अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे हम लोग, तो यहां पर आप ये कॉलम देख रहे हो, इसमें आपके पास 2 0 है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में बढ़ो, यहां भी 2 0 है, ये तो पूरा कटाई हुआ है। यहां पर देखोगे तो यहां पर मेरे को फिर से एक मिल गया, हां कि मेरे पास सिर्फ 1 0 था। अब इससे क्या कर सकता हूं, इसका अब क्योंकि कॉलम स्कैनिंग कर रहा था तो परपेंडिकुलर वाला पूरा रो मैं कट कर देता हूं। सो नाउ एक बार हम लोगों ने पूरा ये प्रोसेस कर लिया, रो भी स्कैन हो गए, कॉलम भी स्कैन हुए, अब क्या करना है। अब बट हुआ क्या है, जितने भी 0 थे या तो वो कट जाएं या वो सर्कल हो जाएं, ये आपको ध्यान रखना है, करना है। अभी भी यहां पर बच रहे हैं तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको दोबारा से स्कैनिंग करनी पड़ेगी। फिर से रो स्कैनिंग करूंगा और कॉलम स्कैनिंग करूंगा। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था जिसमें कि आपका शुरू में एक 1 go में आपका नहीं होगा, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो अब के फिर से देखता हूं, यहां पर रो देखता हूं 2 है मेरे पास तो मेरे को जरूरत नहीं, यहां पर देखूं ये तो पूरी रो कटी हुई है। थर्ड में चेक करता हूं, यहां पर मेरे पास एक सिंगल आ गया 0 और बाकी इस पूरे में यहां पर ये तो कटा हुआ है 5 और 3, तो यहां पर मेरे पास एक मिल गया और इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि पूरा मैं कॉलम कट कर देता हूं। अब ये रो हो गई, ये रो कुछ भी नहीं है। अब कॉलम स्कैनिंग करते हैं, यहां पर ये कॉलम हो गया पहले से कटा हुआ है, इस कॉलम में आप देखोगे तो हां अब सिर्फ एक सिंगल मेरे पास बचा है, सिंगल बचा है तो इसको मैं सर्कल कर देता हूं और इसके पूरा अगल बगल का ये पूरा इसका परपेंडिकुलरली मैंने काट दिया। अब
देखोगे तो एक भी यहां पर जीरो नहीं बचा है जो कि या तो कटा ना हो या सर्कल ना हुआ हो। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब ये जो है असाइनिंग जीरो, ये टास्क मेरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टास्क मेरा आता है कि ऑप्टिमेलिटी चेक करने का। वो कैसे करनी है? होता क्या है, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये आप देख रहे हो, ये आपकी जो है बैलेंस प्रॉब्लम्स है। यहां पर जितने नंबर ऑफ मशीन है उतने ही ऑपरेटर होते हैं हमेशा, यहां पर चार। तो अगर सर्कल्ड आपके इज इक्वल टू जितने भी आपके पास ये जो वेरिएबल है, मतलब अभी मेरे पास सर्कल्ड जीरो कितने हैं, फोर, और मेरे पास चार ही वेरिएबल है, चार ही मशीन है या फिर चार ही ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ऑप्टिमेलिटी पहुंच चुकी है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है और मेरा आंसर आ गया है। आंसर क्या है मैं बताता हूं। बेसिकली आपका J1 के लिए M2 आया है, J3 के लिए M1 आया है, J2 के लिए M4 आया है और J4 के लिए M3 आया है। अब यहां पर से चेक नहीं करना, यहां से ये जो ओरिजिनल था वहां से आप आंसर लिखोगे। सो जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप ये लिखना कि जो आपकी ऑप्टिमल पॉलिसी इज, फिर लिख देना किसका क्या आया है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्योंकि उसने पूछा है मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट, तो मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट ये कैसे निकलती है आप देखो। Job 1 यहां सर्कल था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 11 था, यहां सर्कल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 13 था, यहां पर 14 है और यहां पर 11 है। तो 11 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 13, दिस विल गिव मी 49 रुपीज, हो गया। सो ये आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में आपका क्या था, किया बहुत सिंपल, रो एंड कॉलम रिडक्शन लगाया, असाइन करा, ऑप्टिमिलिटी चेक करें। किस्मत अच्छी थी कि एक ही बार में, क्योंकि हो सकता था कि सर्कल आपके तीन आते, तो अगर ऐसा केस हो जाता या फिर पांच आ जाते, मतलब जितना यहां पर फोर है वेरिएबल्स उतने अगर सर्कल ना आते, तो आपको एक चीज और करनी होती है अलग से। वो चीज क्या है वो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझाऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर क्वेश्चंस ऐसा आया तो इतना आंसर पे ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यही इसका आंसर है। बट अगर कुछ उस टाइप का आ गया तो उस हिसाब से भी आपको मैं सिखाना चाहता हूं, इसलिए वो भी आप सीख लीजिएगा।